राहुल रवेल जी ने साल 1980 में गुनाहगार मूवी से एज ए डायरेक्टर अपने बॉलीवुड फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, परवीन बॉबी, राजेंद्र कुमार और रंजीत शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1981 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई बीवी ओ बीवी। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, रणधीर कपूर, पूनम ढिल्लो, सिमी गेरेवाल, ओम प्रकाश और योगिता बाली शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1981 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई लव स्टोरी। इस मूवी के लीड कास्ट में कुमार गौरव, विजेता पंडित, राजेंद्र कुमार और डैनी शामिल थे। कुमार गौरव और विजेता पंडित की ये डेब्यू मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5,75,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 11,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 1983 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई बेताब। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, अमृता सिंह, शम्मी कपूर, निरूपा राय और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। सनी देओल और अमृता सिंह की ये डेब्यू मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,87,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 6,75,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 9,60,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 1985 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई अर्जुन। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, डिंपल कपाडिया, राज किरण और अनुपम खेर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1986 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई समंदर। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, पूनम ढिल्लो, अनुपम खेर और अमरीश पुरी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1987 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई डकैत। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, सुरेश ओबेराय, मीनाक्षी शोशाद्री, लाखी और अमरीश पुरी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1990 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई जीवन एक संघर्ष। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, राखी, अनुपम खेर और परेश रावल शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1991 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई मस्त कलंदर। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अनुपम खेर, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1991 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई योद्धा। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, संजय दत्त और संगीता बिजलानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,85,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,60,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,55,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1992 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई बेखुदी। इस मूवी के लीड कास्ट में कमल सदाना, काजोल, तनुजा और राजेंद्र नाथ शामिल थे। काजोल की ये डेब्यू मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1994 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई अंजाम। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और दीपक तिजोरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,65,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,98,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 9,66,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1997 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई और प्यार हो गया। इस मूवी के लीड कास्ट में बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय, शम्मी कपूर और अनुपम खेर शामिल थे। ऐश्वर्या राय की ये डेब्यू मूवी थी। इस मूवी का बजट 6,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 7,25,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 12,48,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1999 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई अर्जुन पंडित। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, आशीष विद्यार्थी, मुकेश ऋषि, अनु कपूर और जूही चावला शामिल थे। इस मूवी का बजट 9,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 11,43,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 20,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2001 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई कुछ खट्टी कुछ मीठी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी,
काजोल, ऋषि कपूर और रति अग्निहोत्री शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 10 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2005 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई जो बोले सोनिहाल। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, शिल्पी शर्मा और कमाल खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 21 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 14 करोड़ 81 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2007 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई बुढ़ा मर गया। एज ए डायरेक्टर राहुल द्रविड़ की ये अभी तक की आखिरी मूवी है। इस मूवी के लीड कास्ट में अनुपम खेर, ओम पुरी, परेश रावल और राखी सावंत शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ 75 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 94 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको एज ए डायरेक्टर राहुल रवेल की सभी मूवीज के बारे में बता दिया। राहुल रवेल की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।